श्री अंगद गुरु अमरदास सुकंद रामदास अर्जन गुरु बार श्री हरगोबिंद हरि राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुरु नमो जोर कर बंद जिसमें है अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों करे अनुराग जजन भजन मम खालसा खालसा पूज बेजोग दास गोबिंद फते खालसा दर्स परस मिटे सोग आत्म रस जो जान ही सो है खालस देव प्रभ मैं मोह मैं तास मैं रंचक नाहिन पेव कहां बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी वर्ण सके मेहमा जो तिहारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप लहो तुम कथा सुधारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप लहो तुम कथा सुधारी सतनाम वाहे गुरु साहिब जी सोरठा पाई बडाई राय पारस लोह तत्बीर छोहे दई सो मरी सुनाए दिल्ली बजीरी उन लबी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह परम सत्कार जो गुरु सच्चे पातशाह जी दी साजी नवाजी होई गुरु खालसा साध संगत जी जिनके भाग बड़े हैं भाई तिन साधु संग मुख जुरे दे महावाक अनुसार संध्या दे दीवाना विच गुरु घर दे महान विद्वाना कोलों गुरु की कथा और कीर्तन सुनिया है ढाडी सिंघां तों कलगीधर पिता जी महाराज दी महान वडियाई दा आनंद माणिया है जो गुरु दरबार विच पिछले दिनां तों श्री गुरु पंथ प्रकाश दी कथा दा आरंभ होया है भाई साहब भाई रतन सिंह जी भंगू अंग्रेजां नूं दस रहे ने कि खालसे ने राज गुरु नानक देव जी तों प्राप्त कीता है साढ़े राज भाग दे दाते साढ़े सतगुरु हन सच्चे पातशाह हन अंग्रेज पुछदा है कैप्टन मरी पुछदा है गुरु नानक तां फकीर सी उन्हें पातशाही किवें दे दित्ती तां भाई रतन सिंह जी कहिंदे गुरु नानक बादशाह दा बादशाह सी राजां दा राजा सी उदे चरणा दे विच पातशाहियां रुलदियां हन वो चाहे ते कंगले नूं बादशाह बना देवे उदी नज़र पुठी हो जावे ते बादशाह कंगला बन जावे ऐसी वड्डी वड्याई जगत गुरु नानक देव साहिब जी महाराज दी भाई रतन सिंह जी दस रहे ने कहिंदे उहनां दी कृपा होई राय बुलार ने अपना पुत्र सेवक बना दिता छोटी उम्र विच ही वो जिहड़ा राय बुलार दा पुत्र सी वजीर हिंद वजीर आजम वड्डा वजीर हिंदुस्तान दे बादशाह दा बनिया सी राय बुलार दा बेटा सो ये गुरु नानक साहब दी वड्याई सी वो गल सुनाई जा रही गुरु नानक साहब दे बालपण दीआं कुछ गल्लां पातशाह ने क्योंकि सारा रतन सिंह ने इतिहास सुनाना खालसे दा उहदा मकसद गुरु नानक साहब दी कथा सुनाण दा नहीं है गुरु नानक साहब की कथा सुननी होवे तो श्री गुरु नानक प्रकाश ग्रंथ में आप बड़े विस्तार नाल सुन सकते हैं भाई साहब भाई बाले जी की जन्म साखी उहदे विचों पूरा गुरु नानक साहब का इतिहास वेख्या जा सकता परंतु जिहड़ी इत्थे गल है वह है भी इस खालसे रूपी महल की नींव कित्थे रखी गई इहदी भूमिका किवें है इहदी आरंभता की है सो कवि जी दस रहे ने प्यार नाल सारी संगत सरवण करिए आखिए सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सोरठा
पाई बढ़ाई राय पारस लोह ततबीर छोहे। जिमें लोहा पारस नू छू के सोना बन जांदा है, राय बुलार गुरु नानक देव जी की संगत करके सोना बन गया, अज उहदा नाम अमर हो गया। वैसे तो उस समय भी बड़े बड़े राय होणगे, बड़े बड़े राजे महाराजे होर भी होणगे, लखां ही सन, पर कोई किसी का नाम लैंदा जिन्हें सत्कार नाल राय बुलार जी का नाम लिया जांदा। वो गुरु नानक नूं छू के पारस दी तरह पारस तो पारस ही बन गया। ऐसी महाराज ने कृपा की, बख्शिश की। दई सो मरी सुनाए दिल्ली बजीरी उन लब्बी। राय बुलार दा बेटा सी जेड़ा, उनु राय बुलार ने गुरु नानक साहब दे पैरी ला दिता। अपने बच्चे नु आख्या, पुत्र ए नानक कोई आम बालक नहीं है, ए रब दा रूप है। ते उस बच्चे ते कृपा हुई कि वह वड्डा होके वजीर आजम हिंदुस्तान दा बादशाह दा वड्डा वजीर बनया। चाओ पई जब बाबा जी पए हुशियार। जदों सतगुरु जी हुशियार हो गए, भाव थोड़े वड्डे हो गए। पढ़न बहाए पांदी द्वार। जन्म साखी च लिखिया, जां बाबा बरसा सत्तां दा होया, सत्तां सालां दे होए ते पांदे कोल पढ़न वास्ते भेजे गए। जिम पांदा दियो बाबे पढ़वाई। पांदे ने गुरु नानक साहब नूं पढ़ाना सी ते गुरु नानक साहब पांदे नूं पढ़ा आए। ये कथा जन्म साखियां विच है, नानक प्रकाश विच है, वी महाराज नूं पांदा कहिंदा, पुत्र मैं तैनूं लेखा पढ़ावांगा हिसाब किताब। ते महाराज कहिंदे, पांदा जी असली लेखा पढ़ाओगे के नकली पढ़ाओगे? वो कहिंदे, पुत्र असली लेखा केड़ा हुंदा? ते महाराज कहिंदे, बाबा ये लेखा लिख जान, जिथे लेखा मंगिया तिथे होए सच्चा निशान। सच्चे लेखे की जात दसती। पांदा गोपाल चंद, जेड़े पांदे ने जन्म पत्री बनाई वह हर दयाल सीगा, जेड़ा पढ़ाने वाला सी उहदा नाम पांदा गोपाल सी। पांदा गोपाल भी मुरीद बन गया, सेवक बन गया। जे महाराज सच्चे पातशाह जी मौलवी को तुर्की अरबी फारसी पढ़न पाया ते ओ भी गुरु नानक साहब दे बचन सुन के मुरीद बन गए। सो साखी दई मरी सुनाई। ओ सारी गल भाई रतन सिंह जी कहंदे, मैं उस अंग्रेज नु सुना दिती और अचंबे बहुत दिखाई। गुरु नानक साहब ने बड़े बड़े अचंबे औतक दिखाए दुनिया नु। बढ़त ग्रंथ सब इहां लिखाई। जे मैं सारी कथा लिखन लग जावा गुरु नानक जी दी ते ग्रंथ पंथ प्रकाश बड़ा वध जाएगा, वड्डा हो जाएगा। और बाबे जब भया व्याहे। फिर गुरु नानक साहब दा जदों व्याह होया, भए बेटे दो उन धरियो नाई। महाराज दो पुत्र धन धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन धन बाबा लक्ष्मी चंद जी पैदा होए। कालू हट कराई लोड़ा। बाबा कालू जी काम कराना चाहुंदे सी अपने पुत्र नानक नूं काम कार विच, संसार दे धंधियां विच लाना चाहुंदे सन। खट कर खाइया द्रब बहु जोड़ा। ये कहंदे सन, पुत्र नानक खट्टी कमाई करनी चाहिदी है, वो पैसा जोड़ना चाहिदा, अगे आउण वाले समझ जोड़िया होया पैसा गृहस्थियां दे काम आउंदा। सो बाबा उस पड़ा ना राहे। पर गुरु नानक देव जी वह राह नहीं सी पैंदे, जे 20 रुपये बापू ने दिते सी ते वह भी साधुआं नूं खवा के आ गए सन। मात पिता करे बाबे अकाहे। माता पिता इस गल करके थोड़े नाराज भी रहिंदे सन, खास करके पिता कालू जी तां नाराज ही रहिंदे सन भी मेरा पुत्र मेरे कहने विच माया नहीं कमांदा, ए क्यों नहीं तने दुनियादारा वाली सोच क्यों नहीं रखदा। बाबा बेपरवाही करा। श्री गुरु नानक साहब तो बेपरवाह सन, रंग हस है रंग रोव है चुप भी कर जाहे, परवाह नाही किसे केरी बाज सच्चे ना। एक वाहिगुरु तो बिना किसे चीज की परवाह नहीं सी। फाड़ रबाब शब्द उचरा। महाराज हर वेले रबाब फाड़ के शब्द कीर्तन विच तनमई लीन रहिंदे सन। साथ करै मरदाने परचावा। मरदाने नाल ही परचावा रख्या होया सी, संतन स्यों मेरी लेवा देवी, संतन स्यों ब्योहारा,
संतन सिंह मलाहा खाट्यार भगत परे भंडारा मरदाना गुरु नानक साहब नाल परचा रहिंदा सी ओ रबाब जांदा सी ते बाबा जी भजन कीर्तन करदे सन लैन देन कुछ रखा ना दावा लैन देन दा कोई दुनिया नाल दावा ही नहीं सी रखदे दोहरा कहे दीवाना हो गयो सुन आयो जय राम ए खबर जदों भाईए जय राम नूं पहुंची ते कथा तां बड़ी लम्मी है भी राए बुलार ने जय राम नूं अपने कोल बुलाया सूरज प्रकाश विच नानक प्रकाश इउं कथा हुंदी है राए बुलार ने आख्या पुत्र जय राम जिहड़ा साडा नानक है ना ये रब दा नूर है ये रब दा भगत है ते जय राम जिहड़ा तेरा सहुरा है कालू नानक दा प्यो ये उहदी रमज नहीं समझदा ये कई बार बेअदबी करता ते मैं चाहना भी नानक रब की बंदगी करे ते एरा प्यो दखल ना दवे ए ताई हो सकता तू नानक नू सुल्तानपुर लै जा उत्थे जा के नानक जो मर्जी करे ना करे जे कम करे तो वाह वाह ना करे तो भी खर्चा मैं देंगा तू चिंता ना करी नानक नू उत्थे लै जा तो जय राम जी जदों आए सन श्री ननकाणा साहब तलवंडी विखे हो तो बहनो सतगुर है सुल्तानपुरे जिस थाम ओ महाराज दा बहनोई सी यानी जीजा लगदा सी बेबे नानकी दा घर वाला सी इस करके भाईया जय राम जो सुल्तानपुर च रहिंदा सी ओहदे नाल गुरु बाबा जी नूं तोरन दी तरकीब जिहड़ी है ओ राय बुलार ने बनाई सी जाओ पई सुल्तानपुर हुतो मुल्क उमराऊ सुल्तानपुर दे विच उस वेले पंजाब दी राजधानी सी नवाबी सी इत्थे नवाब दौलत खां इत्थों दा पूरे पंजाब दा हुकमरान सी दौलत खान नाम कहै ताहू जिहड़ा नाम दौलत खान लोधी कहा जांदा है लोधी पठाना दा हिंदुस्तान ते उहदा राज सीगा ते हिंदुस्तान दा बादशाह इब्राहिम लोधी सिकंदर लोधी उस वे दिल्ली च राज करदे सन ते जिहड़ा दौलत खान लोधी सी ओ पंजाब दा सूबेदार सी गवर्नर सी उस वेले ते सै नवाब सो दियो मिलाई जाके जय राम ने श्री गुरु नानक देव जी महाराज नूं दौलत खान दे कोल जाके पेश कीता मिलाया सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं दौलत खान दे नाल मोदी खानो उस दयो सौ पाई जवाब दौलत खान दा मोदी खाना प्रसिद्ध सी ओहदी सेवा जिम्मेवारी जगत गुरु नानक साहिब जी नूं दित्ती गई सब उसकी जो कथा कथैया बड़ी लम्मी कथा लगभग 20 साल गुरु बाबा जी मोदी खाने च बैठे ने जो सारी कथा लिखिए तां और ग्रंथ कहूं ढूंढत पईया वो बड़ी विस्तार वाली है भाई जे तुसी देखनी होवे भाई बाले दी जन्म साखी चों श्री नानक प्रकाश विचों पुराने ग्रंथा चों देख सकदे हो जिस को लोड सुनन की होए भाई जिनू कथा सुनन दी इच्छा है गुरु नानक देव जी ने मोदी खाने च केड़े केड़े कौतक कीते हन और ग्रंथन ते सुन लए सोए तो होर ग्रंथा चों सुन लो भाई बीज मात्र जो चहियत लिखाई असी हुण इत्थे पूरी कथा विस्तार नाल नहीं लिख सकदे बीज मात्र थोड़ी जी वर्णन कर दे संखेप विच सुनो मरी सो जिम मैं कही कैप्टन मरी जी जो मैं तुहानू दसदा हां ओ बीज मात्र थोड़ा जिहा दसदा हां बाकी तुसी इतिहास दे ग्रंथ पढ़ लैणे तहे बाबे दिल उदासी आई सुल्तानपुर रहिंदे रहिंदे सच्चे पातशाह जी मोह माया तो पूरी तरह प्राम हो गए भयो उदास कहूं सुरत ना लाई संसार दे कमां वल्लों उपराम हो गए उदासीन हो गए उदास दा एक अर्थ हुंदा जिहड़े आपां लैंदे आ वी बंदा निम्मो झूणा जिहा हो जावे ते उहनूं कहिंदे उदास हो गया इह नहीं इह साडा अर्थ है नीवी बिरती वाला असल अर्थ है उद आसीन उद मैंने उपर आसीन मैंने बैठना संसार तों उपर बैठना जिथे संसार दे लोकां दी बिरती नहीं जा सकदी सोच नहीं जा सकदी उस तों उपर चला गया बाबा नानक उदासीन हो गए सच्चे पातशाह उदासी की रीत चलाई हां जी
जात नदी थो नावन नित महाराज वही नदी ते रोज स्नान करन जांदे सन साथ नफर है राखे थित एक नौकर कपड़े सांभण वास्ते नाल जाया करदा सी उहां जाए बाबे गोता लायो महाराज गुरु नानक साहिब जी वही नदी दे कंडे कपड़े उतार के अपने सेवक नूं फड़ा दित्ते ते आप नदी च चुभा लाया घड़ी पहर लाओ निकसना आयो महाराज दा नौकर बाहर देखदा रहा भी हुण आउंदे ने हुण आउंदे ने हुण आउंदे ने पहला तां अद्धी घड़ी वेख्या पांच सत मिंट पानी चों बाहर कोई ना निकले ते बाहर वालियां नूं चिंता हो ही जांदी है क्योंकि पानी च बंदा मिंट रह लेगा दो मिंट रह लेगा पांच मिंट बहुत लम्मा साह कढेगा तां बड़ा औखा काम है कहिंदे घड़ी हो गई फिर अद्धा दो घड़ी हो गई घंटा डेढ़ घंटा पैर पूरा हो गया पहरेदार जिहड़ा बाहर खड़ा सी उहनूं चिंता हो गई दोहरा उसी नफर ने बेआस होए रावलाओ दिनो पाए उस नौकर ने वेख्या भी हुण नानक जी डुब गए ने बाहर नहीं निकलदे उहने रौला पा दिता डुब्यो कह उठ्यो सुन दौलत खां गयो ताई नानक जी डुब गए रौला पा के ओ नौकर दौड़िया ते सारे शहर दे लोग उधर दौड़े भी की हो गया गुरु नानक साहब जी नाल सब दा प्यार सी क्योंकि हिंदू भी आउंदे सी मोदी खाने च मुसलमान भी आउंदे सी बाबा जी तेरा 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 करके सब दियां झोलियां भरी जांदे सी ते हर इंसान गरीब अमीर उहनां दा सत्कार करदा सी ये बड़े दुख की खबर आई कि नानक डुब गया सारे शहर के लोग नदी के कंडे से आए राय जो उतों का दौलत खान नवाब सीगा वो भी देखण आया जाओ पाई तहां जाए तिन जाल पवाई दौलत खान लोधी ने गुरु नानक साहब का शरीर लभण वास्ते कि उन्होंने शरीर ही लभ जाए नदी चो कढ लईए वड्डे वड्डे जाल पानी में पवा दिते होए पयो ताओ उन हाथ आए पर शरीर दे तां हुंदा जे उत्थे शरीर हुंदा जेड़ी चीज पानी च है ही नहीं वह पानी चो लभनी किवें है महाराज तां सुने दे सचखंड अकाल पुरख दे दरबार च जा पहुंचे सन लोक कहें कहूं पार लंघ गयो लोग गल्लां करन लग पे भी जे पानी च नानक दा शरीर नहीं लभा इहदा मतलब है शरीर किते दूर रुड़ गया है जां किते परले पासे नानक लंघ के परले पासे जा बैठा है जाए पार तिन खोज ढूंढियो पिंड वाले लोकां ने बेड़ियां च बह के परले पासे जा के खेतां विच भाल तलाश शुरू कर दित्ती जिन्ने झाड़ सन खेत सन कमाद सन चरियां सन सब थां ते लभ लभ के थक गए गुरु नानक पातशाह खेतां च बैठे हुंदे ते लभदे सच्चे पातशाह महाराज ना नदी चो लभे ना खेतां विचों लभे खोज परछावै जुगत ना पाई गुरु नानक साहब दा परछावा भी कितों नहीं लभिया तहें लोक रुड़ गयो के थाई आखिर लोग ही कहन लगे बड़ा चंगा हुंदा सी नानक बेचारा रुड़ गया है पानी दे विच जय राम का घर पिटनो परा पाईए जय राम दे घर पिटना पै गया दुनिया रोन लग पई सारे पासे अफसोस करन आ गए नानक प्रकाश विच भाई संतोख सिंह जी कथा लिखदे ने ओ कहंदे सारी दुनिया रो रही सी एक बेबे नानक ही नहीं सी रोंदी जय राम रो रहा सी अंदर बह के उन्हें मन च यह गल आउंदी सी भी नानक जी पानी विच डुबे ने लोकां ने यह कहना है भी मोदी खाने ते सारा माल लुटाई जांदा सी हिसाब किताब देण दा मारा डुब गया बेइज्जती होवेगी अपमान होवेगा दुख भी सी महाराज दे डुबण दा ते बेबे नानक ही अपने पति नूं कहंदी सी स्वामी जी तुसीं क्यों घबरांदे हो ओ जिहड़ा दुनिया नूं तारन आया कदी आप डुब सकदा जे तारन वाले डुब गए तो फिर तरेगा कौन आखो सतनाम श्री वाहे उहदा तारनहार जगत गुरु गोबिंद है चरण कमल ताके करो निवास उहदे चरणा विच जुड़िए ते ध्यान लाइए कहिंदे जदों पहली रात भी लंघी दूजा दिन भी लंघ गया दूसरी रात आ गई महाराज नूं अलोप होया 36 घंटे तो ज्यादा टाइम हो गया ते सारे पिंड दे लोग इलाके दे लोग मन बैठे भी हुण नानक नहीं लभ सकदा हुण नहीं आना उन्हें
ते बेबे नानकी रात नूं चौंकड़ा मार के बैठ गई ते अरदासां करन लगी कि हे सच्चे पातशाह हे गरीब नवाज सतगुरु जी ये की लीला रचा रहे हो तुसी ते जगत नूं तारन वाले हो ये दुनिया तुहानूं डुब्बिया समझ बैठी है कृपा करो इन्हां दीआं अखां तों हुण पर्दा चुक दिओ कृपा करो सवेरे तां प्रगट होकर दर्शन दे दिओ साध संगत जी सारी रात ये अरदासां करदी दी बेबे नानकी दी लंघी ते अगले दिन सवेरे ही सच्चे पातशाह महाराज वेई नदी चों बाहर आ खलोते सो ओ हजूर दी कथा नूं कैप्टन मरी सुन रहा अंग्रेज भाई रतन सिंह जी सुना रहे हां जी दौलत खान बहु संसा भरा कहिंदे जदों बाबा जी दा शरीर भी ना लभिया कोई उग सुग ना मिली नवाब दौलत खान बड़े संसे च पै गया दो एक दिन तब ऐस बिताई एक दो दिन एदा ही भज दौड़ च बीत गए तीजे दिन गुर निकसत भई तीजे दिन महाराज सतगुरु जी जिथे गुरुद्वारा संत घाट है वहीं दे कंडे दे उथों प्रगट होए धोती काट मोढ़ा वह परनो महाराज ने उस वेले लक नूं धोती लाई होई सी ते मोढ़े ते इक परना सी सतगुरां दे बोले नाह जन खड़े डरनो महाराज सच्चे पातशाह किसे नाल बोलदे नहीं बाहर खलोते आ रंगी रब्बी रंग दे विच उस मस्ती दे विच खड़े है जिन्हां ने पहली झाक दर्शन कीते हैरान हो गए कहन लगे नानक जिउंदा ए किवें निकल आया हां जी भई खबर तब लोक चल आई जदों पिंड विच खबर गई सुल्तानपुर दा बच्चा बच्चा देखण लई आ गया आगे पाछे चहत बुलाई अगे पिछे गुरु नानक साहब दे खलो गए पुछदे ने की होया सी तेरा की हाल है तू ठीक है जेड़े वड्डे सी बुजुर्ग सी ओ पुत्र पुत्र करके कहंदे है जेड़े मित्र सी ओ वीर भाई कह के बुलांदे है जेड़े रमज दे भेती सी ओ हाथ जोड़ के सत्कार नाल बुलांदे है पर महाराज अपनी मस्ती च खड़े हन जय राम सुनकर तुरत सो धायो जय राम दौड़िया वेखण वास्ते के नानक जी जिंदे चल के देखिए ते सही नानकी कहंदी सी डुबण वाला नहीं मैं मंदा सी भी हुण पानी चो बाहर नहीं आना नानकी दा विश्वास बड़ा पक्का है नानक जिंदा वेखण वास्ते आ गए दौलत खान अचंबो आयो तो दौलत खान नवाब लोधी भी हैरान हो गया भई पानी च गया होया बंदा दो दिन बाद किवें निकल सकदा है दोहरा दौलत खां भी जा पुज्यो लियायो साथ लवाई कहिंदे खुद नवाब दौलत खां घोड़े ते बह के संत घाट वाली थां ते पहुंच गया महाराज नू नाल लेके आ गया बाबे मोह कुछ नह कर रहे खान मोहे पाई ते महाराज सच्चे पातशाह बोलदे नहीं ते दौलत खां बार बार बुलाण दी कोशिश करदा पुछदा भी तुसी ठीक हो तुहानू कोई तकलीफ ता नहीं तुसी कित्थों आए हो एदा पुछदा नवाब दौलत खान जाओ पई तब दौलत ने हकीम बुलाई कहंदे दौलत खान नवाब नू एदा लगा भी इन्हां नू कोई तकलीफ हो गई है जेड़े बोलदे नहीं कोई सियाणे हकीमां नू बुलाइए जेड़े दा इलाज करन उन्हां नू पता लगेगा की बीमारी है कि बोलदा क्यों नहीं नानक मत कत नानक रोग संताई उन्हें विचारे ने सोचा भी नानक नू मता कोई बीमारी कोई रोग सता रहा होवे अग्यों बाबे वैद समझाया ते अगों गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह उस वैद नू भी ब्रह्म ज्ञान दी दात दे दित्ती तो फिर दौलत मन पति आया ते दौलत खां दा भी मन उदों पतीजा जदों मारे ने आख्या ना कोई हिंदू ते ना मुसलमान ओ कहंदा तुहाडी निगाह च मुसलमान हिंदू नहीं महाराज कहंदे साडी निगाह च इंसान है आखो सतनाम श्री वाह कहन लगा फिर जे इंसान है ते साडे नाल चल के नमाज पढ़ोगे महाराज कहंदे जी सदके पढ़ांगे मसीत विच चले गए सारे नमाजी नमाज अदा करन लई वजू करके जदों कतार विच खड़ गए ते मौलवी साहब ने नमाज अदा शुरू कीती वो सजदा करदे ने बैठदे ने खलोंदे ने सज्जे पासे मुंह करके खब्बे पासे मुंह करके कलमा पढ़दे ने बाबा जी ओदां ही खड़े ने नमाज अदा होण तों बाद
दौलत खान ने आख्या तुसी तो कहंदे सी नमाज पढ़ांगे पर साडे नाल तुसी नमाज क्यों नहीं पढ़ी। महाराज कहंदे किहदे नाल पढ़दे? आखो सतनाम श्री। कहंदे मौलवी साहब नाल पढ़नी सी सारिआं ने। महाराज कहंदे मौलवी साहब दे घर घोड़ी सूई होई है, खतरा यह पिया भी बछेरा पिछे किसे खड्डे च ना डिग पवे, बछेरा ना डिग पवे खड्डे च, उहदी लत्त बांह ना टुट जावे। इन्हां दा तां ध्यान बछेरे विच है। मौलवी हक्का बक्का रह गया भी वाकया ही मेरा ध्यान तां घर गया होया। कहण लगा इह तां सच कहंदे ने मेरा ध्यान घर गया होया सी। नवाब कहन लगा फिर मेरे ने पढ़ लेनी सी, मैं भी तो नमाज पढ़ रहा सी, मौलवी साहब का ध्यान गया मेरा तो नहीं गया। महाराज कहंदे तू भी घोड़िया पिछे ही फिरदा सी, तू काबल घोड़े खरीदन गया सी, भी उत्थे घोड़े वधिया मिलदे उत्थों दे घोड़े खरीदने हैं। दौलत खां चरणा दे ढह पिया, कहन लगा तुहानू तुसी दिलां दी जानण वाले हो, घट घट के अंदर की जानत भले बुरे की पीर पछांत। उदों तो नवाब दौलत खां पातशाह का सेवक बन गया। भाई साहब भाई गुरदास जी लिखते ने दौलत खां लोधी भला, सिखां दी ग्यारहवीं वार भाई गुरदास की गुरु नानक दे सिखां दी लिस्ट बनाई है, उहदे च लिखिया दौलत खां लोधी भला होवा जिंद पीर अविनाशी, भला रबाब वजाएंदा मजलस मरदाना मीराशी। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੁੱਲਾ ਕਾਜੀ ਬਾਬੇ ਸੋ ਖਹਿ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲਾ ਕਾਜੀ ਮੁਤਸਬੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਖਹਿ ਬਾਜੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੰਦ ਗਰ ਜਾਦੂ ਕਹਿ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਦੌਲਤ ਮੰਨੀ ਨਾ ਬਾਤ। ਪਰ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਦੂਗਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਬਾਬੇ ਪਰ ਭਇਓ ਇਤਕਾਤ, ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਯਹ ਹੈ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਅਵਤਾਰੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਔਲੀਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਭਇਓ ਮੁਰੀਦ ਵਹ ਸਨ ਪਰਵਾਰੀ, ਸਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਬਾਬੇ ਕੋ ਸਮਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਰਾਬਰ ਸਨ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਹੇ ਮੁਰੀਦ ਆਏ ਸੋ ਇਮ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਦੋਵਨ ਕੋ ਗੁਰ ਸੱਚ ਦਿਰਡਾਵੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੀ ਮਰਿਆਦਾ ਛੱਡ ਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਲਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਨੇਕ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਜਾ, ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੈ ਦੂਅਨ ਹਟਾਵੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਸੀ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਛਲ ਕਪਟ ਬੇਈਮਾਨੀ ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਾ ਲਓ, ਨੇਕੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਮ ਜਿਮ ਬਰਕਤ ਭਈ ਮਸਹੂਰੋ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਆਏ ਲੋਕ ਬਹੁ ਸੁਣ ਸੁਣ ਦੂਰੋ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਦੋਹਰਾ ਦੌਲਤ ਕੈ ਦੋਏ ਇਸਤਰੀ ਹੋਤੀ ਸੁਤਨ ਬਗੈਰ, ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, 50-55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦੋ ਬੇਗਮਾਂ ਸਨ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਉਨ ਹੱਛੇ ਦੋਏ ਦੋਏ ਜਨਮੇ ਛੇਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਲੰਗੋਟਾ ਹੀ
एक परना ही सीगा लक नू बन्या बाकी शरीर भी नगन सीगा ते हजूर किथे बैठे सन जिथे शमशान भूमि हुंदी है उथे डेरा लाया सी ते जेड़ा मोदी खाना सी सारा लुटा दिता सीगा ते फिर भी उहदा हिसाब होया ते वादा बाबे नानक दा निकलिया सी। बड़ी लम्मी कथा। नवाब दी बेगमां कहण लगियां नवाब साहब जिहड़ा तुहाडा मोदी वो रब्बी रंग च रंगिया होया कहिंदे उहदे च बड़ियां बरकतां ने तुहाडे दिल दी गल बुझी है तुसीं उहनां ते इतकाद रखदे हो ते जे आ गया होवे ते असीं जाके पुत्तरां दी खैर मंगीए। महाराज शमशान भूमि च मरे बेरां दे लागे बैठे सन नवाब दियां दोवें बेगमां आके चरणां ते ढह पईआं। वीर साईं रहमत कर बख्शिश कर कृपा कर साडी झोली पार दे। दो बेर इधरों तोड़े दो इधरों दोवां दी झोली च पा ते कहिंदे जाओ दो दो पुत्तर तुहाडे घर होणगे। दुआब दौलत खां दी वडेरी उम्र चार पुत्तर होए ने जिन्हां दे नाम भी गुरु नानक साहब पहलां ही रख दिते। चाओ पई गाजी खां गज मस्त सो खान। एक दा नाम रख्या गाजी खान दूजे दा नाम रख्या गज मस्त खान। हां जी मीर खान औ जोल खां मान। तीजे दा नाम मीर खान ते चौथे दा नाम जौल खान। गाजी खान गज मस्त खान मीर खान जौल खान चार पुत्र ए सुल्तान दौलत खान नवाब दे गुरु नानक साहब जी दी बख्शिश नाल होए। उन नारन बड चर्चा तोरी। उन्हां नारा ने दोवां बेगमां ने जदों ए पातशाह दी कृपा होई ते गुरु नानक साहब दी गल सारे परिवार च कीती भी ओ बड़े रहमतां दे भंडार ने। कहें बाबे दई हम जोरी। बाबे नानक ने सानू जोड़ी जोड़ी पुत्रां दी दित्ती है। दोहरा बाबा कै जी इम हुती किशक रही है गुप्त संसार। जदों बेगमां ने रौला पाता भी बाबे नानक दी कृपा नाल साडे घर पुत्र होए ते महाराज सच्चे पातशाह जी चाहुंदे सी भी गुप्त रहिए। जिहड़े रब दे प्यारे हुंदे आ ना हुण जी खुदाए दे भेत ना किसे देण। ये अपनियां वड्याईयां कराणियां अपना नां रोशन कराणा ये हौले बंदियां दी खेड है रब दे बंदियां दी नहीं है। भाई साहब वीर सिंह जी कहिंदे मेरी छुपे रहण दी चाह ते छुप तुर जाण दी हा पूरी हुंदी ना मैं तरले लै रहा। ऐसी अवस्था सी हजूर गरीब नवाज सच्चे पातशाह ने सोचा इत्थे तां हुण वड्याईयां होण लग पईआं चलिए ता पातशाह जगत नू तारन लई उदासियां आरंभ कीतियां। सो ताओ प्रगट जग भयो जग उठ पर गयो ख्यार। ओ गल जिन्नी पातशाह छुपाणी चाहुंदे सी ओनी प्रगट हो गई। उहनां दी सोभा जुग जुग होई कोई ना मेटन हार। रतन लुकाया लूकै नाही जे को रखै लुकाई। ओ लुकदा ही नहीं ऐसा गुरु सच्चे पातशाह दा प्रताप के सारे पासे प्रगट हो गया। चाओ पई भान चढ़ियो किम छान्यो रहै। सूरज चढ़िया कदी छुपदा नहीं है। लख बादल जाओ ढापियो चाहै। लखां बदल जे आ जान भी सूरज नू लुका लईए लखां बदल जोर ला लैन सूरज फिर भी चमका मारदा है। जिम जिम बाबे की चर्चा पई ज्यों ज्यों गुरु नानक साहिब जी दी महिमा पसर गई। थोड़ा ही मैं बहु फैल गई। थोड़े दिनां च सारे पासे पंजाब विच पंजाबी गुर वड़ियाई। भाई गुरदास दे बचन ने पंजाबी गुर दी वड़ियाई गुरु नानक दी वड़ियाई पंजाब दे घर घर पहुंच गई। जिस नर को होए सीत दबायो। जिस नू भी किसे ने जिस नर को होए सीत दबायो ठंड ने दबाया होवे। किम ना चहोग वल अगन सिधायो। जिनू ठंड लगदी अग वल क्यों नहीं जाएगा। ठंड तो ठरदा बंदा चाहेगा भी हीटर दे कोल जावां सेक लवां निग लवां। दुनिया दुखत होती थी घनी। क्योंकि दुनिया दा दुखी है ते जिथों सुख मिलेगा दुनिया उधर ही जाएगी। दर्शन पाए भई सुख मनी। श्री गुरु नानक साहिब दे दर्शना नाल ही ठंड पै जांदी सी। बोलण दी लोड़ नहीं सी पैंदी जिहड़ा आ के वेख लैंदा सी। दर्शन देखत दुख नसे सारे दुख दुख दलिद्र नस जांदे सन। सिद्ध साध जो हिंदू तुरको। मुसलमान हिंदू जिन्ने भी साधु संत महापुरुष पीर फकीर सन हो तो जिन्हो मैं केश थो जुरको। जिन्हां विच कोई शक्ति सी कोई पावर सी
सुन सुन अचरज सब चल आए। बाबे दी वड्याई सुन के दर्शना नु आन लगे है। देख पाल सब हार सिधाए। बाबे नानक दे नाल कई चर्चा करन आए। लंबी कथा है ता हुण पर भाई साहब एक दो पंक्तियां जी अंग्रेज नु दस रहे ने भी सिद्ध जोगी नाथ पीर गुरु नानक साहब ना चर्चा करन भी आए पर हार के चले गए। केड़ा चले गुरु दी चाला, गुरु नानक दी चाल नहीं चलेगी किसे कोलों। दोहरा अजमतियन अजमत देवें ज्ञानियन ज्ञान सुनाए। धन गुरु नानक साहब करामातियां नूं करामातां देंदे ने, ओ ज्ञानियां नूं ब्रह्म ज्ञान देंदे ने। जैसी मनसा कर आवै तैसो दै समझाए। जो दी मनसा करके गुरु नानक दे बूहे ते कोई आउंदा ओहो जी मनसा पूरी करके उनू ज्ञान दे के समझा के तोड़दे ने। चाओ पई बाबे कहो उदासी आई। हुण बाबा जी नूं उदासी आई, उदासी दा मतलब है भी संसार नूं तारन वास्ते, संसार दा रटन करन वास्ते महाराज नूं हुकम अकाल पुरख दा आ गया। बाबा सुरत परदेसां लाई। महाराज ने अपनी सुरत देसां परदेसां वे जाके जिथे जिथे प्यारे बैठे सन बंदगी कर रहे सन उन्हां नूं दर्शन देण दा प्रोग्राम उलीकिया। लै मरदानो साथ रलाई। भाई मरदाने वाले नूं नाल लैके लैओ रबाब उन मोढ़ा चाई। मोढ़े ते रबाब चुक लई ते बाबा सच्चे पातशाह मरदाने नूं लैके तुर पए। जह बाबा कहो खुशी चित आवै। जिथे जी करदा सी गुरु जी दा रबाब बजवाई शब्द बहगावै। उथे ही रबाब बजन लग जांदी सी, उथे ही शब्द जंगल दे विच मंगल हो जांदा सी। सच्चे पातशाह जिथे जिथे कीर्तन कीता है ओ धरती पवित्र कर दित्ती भागां वाली। 11 महीने 11 दिन 11 घड़ियां इको चौंकड़े ते महाराज कीर्तन कीता। जिस जगह ते पीर बुढ़न शाह आके चरणा ते ढह पिया उदे मन विच सीगा कि मेरी उम्र बड़ी है ते मेरे तो वध के कोई महापुरुष नहीं, ते गुरु नानक साहब दे दर्शन करके उन्हूं समझ आई भी ये मेरे तो बहुत वड्डे ने। उसे जगह ते गुरद्वारा नगर श्री कीर्तनपुर साहब वसया जिन्हों आपां कीर्तपुर साहब कहने हैं। पहला नाम है कीर्तनपुर। कीर्तनपुर छेवें पातशाह ने तां रखिया दा नाम के गुरु नानक साहब लगातार इत्थे 11 महीने कीर्तन करके गए ते पीर बुढ़न शाह जी नूं निहाल 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 कीता। सो इस करके जिथे जंगलां च मंगल कर दिंदे सी कीर्तन करदे सी। सिद्ध साध आओ पीर मुरीद। बाबे नानक दे चरणां दे बड़े बड़े सिद्ध साध पीर मुरीद जोगी जपी तपी सन्यासी हिंदू मुसलमान सब झुकदे सन। देख भाल होए अगे तुरीद। जिथे जिथे बाबा जी जांदे सी तार दिंदे सी पिंडां शहरां नगरां मुल्कां नूं वी तार दिंदे सी ते तार तार के अगे तुरे जांदे सी। जह जह बाबा देसह जाए। जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापन सोआ जिथे जेड़े देश वे जाके पैर पांदे सी उथे ही पूजा हुंदी सी। दे उपदेश सच नाम है लाए। उपदेश दिंदे नाम जपण दा बंदगी करन दा सारिआं नूं ही। पीर पैगंबर देवी देव। पीर पैगंबर औलिए देवी देवते भी झुकदे सन। दूर कराई इनकी सेव। महाराज ने लोकां नूं मड़ियां मसाणा भूतां प्रेतां कबरां तों हटा के सच्ची बंदगी च लाया। भी आज केड़े चक्कर च पए होए हो, जेड़ा बनाण वाला है ओनू मनदे नहीं, ओदे बनाए होए नू मन्नी जांदे हो। कीते नू करता कर जाना है। अग्ञानी जीव कीते नू ही करता मान लेंदे है, ज्ञानी करते नू मनदे आ कीते नू नहीं। ये दा भाई बनाए होए ने देवी देवते परमेश्वर दे, तुसी परमेश्वर नू मनो ही ना दे मगर लग के अपना समा ना खराब करो। ऐसी पातशाह ने एक ओंकार दी पूजा दृढ़ कराई। वीर सिद्ध औ मंत्र तंत्र। मंत्र तंत्र जंत वीर भूत प्रेत बैताल जिन एहो जी लोकां दे विच बड़ी पूजा सी। झाड़ा झुंडा पिपलां नूं मत्थे टेकी जांदे सी, ओ सप्पां नूं देवते मन मन के पूजी जांदे सी। बाबे नानक ने सब नूं उस निरंकार वाहिगुरु एक ओंकार दे लड़ ला दिता। सुनै ना कहै जाल ज्यो जंतर। महाराज ने ऐसा उपदेश दिता लोग उस जाल विचों निकल गए।
ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਤੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਟੂਣੇ ਟਾਮਣਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਗੁੱਗੋ ਲੰਜ ਅਭੂਤ ਜੋ ਪ੍ਰੇਤ ਗੁੱਗੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਭੂਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੂਰ ਕਰਾਏ ਇਨ ਕੇ ਹੇਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਛਡਾਇਆ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਰਾਈ। ਦੋਹਰਾ ਤੁਰਕਣ ਕੈ ਹਿੰਦੂਆਨ ਕੈ ਜਹ ਜਹ ਦੇਸਹ ਜਾਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ, ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ, ਨਾਸਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਓ ਉਨ ਕਹੈ ਉਸੈ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪਰਾਏ ਹੱਕ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਸਮਝੋ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੂਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਚਾਉ ਪਈ ਐਸ ਭਾਂਤ ਉਨ ਸੱਚ ਸੁਣਾਈ ਜੋ ਸੱਚ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬੇ ਜੀ ਨੇ। ਦੇਵੈ ਦੋਇਨ ਸੱਚ ਲਗਾਈ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਤੁਰਕ ਕੁਰਾਨ ਔ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੇਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਹਨ। ਵਾਚ ਕਹੇ ਉਨ ਸੱਚ ਸੱਚ ਭੇਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਹ ਨੇਕੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਚਲੈ ਗਯੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਲਾ ਸੁਣ ਸ਼ਿਵਰਾਤ ਦਾ ਬਾਬਾ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਆਈ। ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਅਚਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਾਂ ਮੇਲਾ ਥਾ ਸਿੱਧਨ ਕਯੋ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਮੇਲਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੀ। ਕਰ ਗੋਸ਼ਟ ਤੇ ਭੀ ਜਿੱਤ ਲਏ ਸਿੱਧ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਬਾਬੇ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਂਤ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਸਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੱਧ ਸਭਾ ਕਰ ਆਸਣ ਬੈਠੇ ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰੋ ਤਿਸ ਆਗੈ ਰਹਿਰਾਸ ਹਮਾਰੀ ਸਾਚਾ ਅਪਰੇ ਅਪਾਰੋ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਲਾਏ ਸਿੱਧੀ ਤੇਉ ਥੱਕ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਚ ਹਾਰ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧ ਕੁਰਲਾਣਾ ਬਾਲ ਗੁਦਾਈ ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਕੁਰਲਾਣੇ ਤੇ ਬਾਲ ਗੁਦਾਈ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਜਾ ਕੇ ਜੋਗੀ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਬਾਲ ਗੁਦਾਈ ਦਾ ਟਿੱਲਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਨੇ ਯੋਗ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬਾਲ ਗੁੰਦਾਈ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਰ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਜਾਏ ਚੁਗਲੀ ਖਾਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਸਿੱਧ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਭਇਆ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਿੱਧ ਨਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਕੀ ਲਾਹੇ ਸੋ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਉਨ ਸਿੱਧਾਂ ਕੀ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਧ ਸੀ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਾਂ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜਾਊਗਾ ਹਾਰ। ਬਾਲ ਗੁੰਦਾਈ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਨਾਨਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਹਰਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਾਂ ਸਿਧਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਬਾਲ ਗੁੰਦਾਈ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਕੋ ਜੀਤ ਗੁਰ ਆਗੇ ਪਧਾਰੇ ਬਾਲ ਗੁੰਦਾਈ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਾਇਆ। ਦੋਹਰਾ ਫਰੀਦ ਪਟਨ ਮੁਲਤਾਨ ਮੱਧ ਉੱਚਨ ਲਓ ਜੋ ਪੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਸਨ ਪਾਕ ਪਟਨ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਉਸ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
गद्दी ते शेख ब्रह्म शेख इब्राहिम नाम दे महापुरुष रहिंदे सन। उन्हां नाल बाबा जी ने चर्चा कीती ते शेख फरीद जी दी बाणी उत्थों प्राप्त होई मन्नी जांदी है। ते अगले कहिंदे आ वी मुल्तान मुल्तान पीरां दा घर है, उत्थे महाराज पीर बहावल हक दे नाल बड़ी लंबी चर्चा शमस तबरेज दे जिहड़ा स्थान है उन्हां दी कबर है उत्थे बह के कीती। कहिंदे आ 1930 तक उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश भी हुंदा रहा कबर दे नेड़े जिथे महाराज गुरु नानक साहब दे बैठण दा थां सीगा। उत्थे शमस तबरेज दे मजार दे उत्ते महाराजा रणजीत सिंह साहब शेरे पंजाब जी ने खर्चा करके थोड़ी जी थां लई सी, पालकी बड़ी सुंदर बनाई सी, पर साडे च कट्टड़ भरा बड़े ओ कहिंदे मजारां ते गुरु ग्रंथ साहब नहीं रहण देना, वह गुरु नानक साहब की थां तो ही चुक लिया है गुरु ग्रंथ साहब। ये पुरानियां गल्लां बहुत हन। इस तरह खालसा जी मुल्तान विच बाबे ने पीरां नाल चर्चा कीती, सारे पीरां ने नमस्कार कीती। फिर उस तो अगे कहिंदे आ उच्चन उच्च दे पीर जिहड़े हन उच्च जा के उन्हां पीरां नाल चर्चा कीती ते उन्हां नूं भी ज्ञान दिता। सब हन सो कर गोष्टा नह किस की छड़ी ततबीर, सारिआं नाल ज्ञान गोष्टा होईआं। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी महाराज ने सारिआं नूं भरम तोड़ के सच दा मार्ग दृढ़ कराया। चाओ पई ऐसे और कहां लग गणिया, कित्थों तक गिणिए हिंदू मुसलमानां दे उच्चे उच्चे टिकाणिआं ते मक्के मदीने तक जाके ज्ञान चर्चा कीती। पहुंचा तहां सिद्ध जह सुनिया, और जिथे जिथे बाबा जी गए ने उथे उथे जा के महाराज जी ने सिद्ध पुरशां नूं उपदेश दे के होर सुमार्ग ते पाया। उनकी सिद्धि देख दिखाई, उन्हां दीआं करामातां रिधियां सिद्धियां नूं देख के झूठ छुडावें सच दे लाई, झूठ सजा छुडा दिता ते सच दे मार्ग ला दिता। दोहरा इम कर सैल पंजाब की लीने लोक पत्याई, पंजाब सारा फिर के सर चरणा नाल पवित्र कीता, लोकां नूं सच दा मार्ग दस्या। कित सुंदर धर्म साल कर निज निज धर्मो लाई, बड़ियां बड़ियां सोहणियां धर्मशाला गुरुद्वारे बना दिते, पिंड पिंड विच सतसंग होण लगा। सभी हकीकत उन्हें की इहां लिखी जाओ नाही, कवि जी कहिंदे आ हे कैप्टन मरी जी मैं सारियां गल्लां तुहानू गुरु नानक साहिब दी इत्थे नहीं दस सकदा, बहुत वड्डा इतिहास है। जन्म साखी पुरातन देखो जिस होए जा, जिहनू जा बहुता शौक है इतिहास पढ़न दा ओह बाबे नानक दी जन्म साखी पढ़ लो। सो साध संगत जी ये कथा हुण इत्थे समाप्ति है, कल नूं आपां विचारां सरवण करनी है पंथ प्रकाश दी कथा। धन गुरु नानक साहिब सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चानण होवा, जेड़े मार्ग ते संसार नूं तोरिया भगती सिमरन दे उहदी विचारां आपां सरवण करांगे। समय दे लिहाज नाल समाप्ति है। हे गोबिंद हे गोपाल हे दयाल प्राण नाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार, हे समर्थ अगम पूरन मोहे माया अंधकूप महाभयान नानक पार उतार, आए प्रभु शरणागति कृपा निध दयाल, एक कर हर मन बसतो नानक होत निहाल, वाहेगुरु नाम जहाज है चढ़े सो तरे पार, जो श्रद्धा कर सेवंदे गुण पार उतारन हार, जो श्रद्धा कर सेवंदे गुरु पार।